हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज़म। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं है। ये वीडियो कोई भी प्रमोशन के लिए नहीं है या ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा वर्क किया है विराज के साथ या कुछ भी ऐसा जो आपके माइंड में ये चीज़ पैदा करे कि मैं कोई भी ऐसा जो है फ्लॉन्ट कर रही हूँ विराज के अच्छे बिहेवियर या बैड बिहेवियर को, तो वो बिल्कुल पर्पस नहीं है इस वीडियो को बनाने का। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ थ्रू आउट, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो ये कमेंट करते हैं कि विराज को शायद ऑटिज़म नहीं है, डिलेज हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मे बी हो सकता है उसे ऑटिज़म हो ही ना, शुरू से ही ऑटिज़म ना हो, कोई और ही इशू रहा हो। या फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि एक्चुअली अगर विराज को ऑटिज़म है तो विराज के चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि वीडियो पे वो चीज़ शोकेस नहीं होती है। मुझे लगा कि बेटर है हम एक वीडियो शूट करें एंड जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मेरा एक्सप्रेशन है अबाउट हिज डायग्नोसिस, जो काम हमने किया है, सब कुछ ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनकवर्ड रह गई हैं, तो वो मैं जो है आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँ और आपको ये भी बताऊं कि मेरे चैलेंजेस क्या क्या हैं विराज को लेकर या विराज के अपने चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी पता होनी चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी विराज का वीडियो शूट करती हूँ वो वीडियो हार्डली जो है 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, मिनट का होगा। अगर व्लॉग है तो व्लॉग में भी कुछ कुछ पोर्शंस कैप्चर्ड होते हैं। तो मैंने अपना जब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी एक इंटेंशन जो थी वो बहुत प्योर थी कि मैं ऑटिज़म का कोई भी बुरा पार्ट, यानी जो चैलेंजेस वाला, जो ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं उससे रिलेटेड कभी भी विराज का कुछ शोकेस नहीं करूँगी। फॉर एग्जांपल उसका मेल्टडाउन है, कोई टैंट्रम है, उसका रोना है, उसके जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो मैं शोकेस नहीं करूँगी। अगर मुझे शोकेस करना भी होगा तो मेरा जो मैनर रहेगा उसे शोकेस करने का वो एक हेल्पिंग एड की तरह काम करेगा, ताकि कल को जब विराज बड़ा हो, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की होती है, जो कि आए ट्रूली बिलीव एंड आई ट्रूली प्रे फॉर कि ऐसी रहे कि वो अपना चैनल जो है खुद होस्ट करे, खुद बच्चों की मदद बड़े होकर करे, तो मैं वो चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंटेड रखना चाहती हूँ चैनल पर इस तरह से कि कभी भी विराज को एज एन इंडिविजुअल अपने आप के लिए कभी एम्बैरेसमेंट ना हो, रादर ही शुड बी प्राउड कि उसने अपने चैलेंजेस को कितना अच्छा ओवरकम किया है। वो चीज़ मैंने बहुत इंटैक्ट रखी और आगे भी रखूँगी, क्योंकि मैं हमेशा से ऑटिज़म को एक ब्यूटीफुल चीज़ की तरह दिखाना चाहती हूँ, एक ऐसी चीज़ जो डिसेबिलिटी नहीं है, एक डिफरेंट एबिलिटी है, उस तरह से दिखाना चाहती हूँ। तो इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि जब मैं आपको अपनी अब आगे की बातें बताऊँगी तो आप किसी भी तरीके का जो है एक जजमेंट ना क्रिएट करें कि मे बी मैं अपने बेटे का जो है इस तरह से कुछ आपको शोकेस कर रही हूँ जस्ट टू शो दैट हाउ गुड आई एम एज अ मदर। नो, इट इज़ नॉट दैट। तो विराज का जब डायग्नोसिस हुआ था 3 साल 10 महीने की उम्र में, तब हमारे बहुत सारे चैलेंजेस थे। आई कांटेक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, रिस्पांस टू नेम एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हैंड फ्लैपिंग बहुत मेजर थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, फियर में, या फिर कभी कोई बात ना कह पाना या समझा ना पाना तो चिल्लाना और हैंड फ्लैपिंग दोनों साथ ही साथ होती थी। बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाना, बैठे बैठे कुछ दिमाग में चल रहा है, बोलना तो चाहते हैं, भूख लग रही है या कुछ पानी पीना है या कुछ भी ऐसा चाहते तो हैं बताना, बट बताना नहीं आ रहा तो बैठे बैठे शाउटिंग स्टार्ट कर दी, स्क्रीमिंग स्टार्ट कर दी। ये था विराज के साथ और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे कभी लगता था उसके पेट में तो नहीं दर्द हो रहा या फिर ऐसा तो नहीं उसको कहीं कोई बॉडी पार्ट में पेन है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है और बता वो पा नहीं रहा है क्योंकि वर्बल वो है नहीं, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ ये चीज़। तो ये एक चैलेंज था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑटिज़म का साइन है या ये ऑटिज़म की तरफ डायरेक्ट करता है कि बच्चा जो है 3 साल 10 महीने की उम्र में भी अगर बात नहीं कर रहा है, स्पीच है, पर मैं कंफ्यूज हो रही थी स्पीच और लैंग्वेज के बीच में, क्योंकि स्पीच होना इज़ इक्विवेलेंट टू बीइंग नॉन वर्बल। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं वर्बल या नॉन वर्बल में क्या फ़र्क होता है, तो देखो जो वर्बल बच्चे होते हैं ना वो होते हैं जो अपनी बात को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं भाषा के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भाषा उन्हें आती है उसके थ्रू वो अपनी नीड बता सकते हैं एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन नॉन वर्बल बच्चे जो होते हैं उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो स्पीच है, वर्ड्स तो बोल लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ बच्चे जो नॉन वर्बल होते हैं उनके पास स्पीच नहीं होती, उनकी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है,
लेकिन उन्हें बात कैसे बतानी है, स्पीच नहीं है तो वर्ड्स नहीं है उनके पास कि कैसे बताना है, तो वहाँ पर एक इशू आता है। तो नॉन वर्बल और वर्बल में यही मेजर फर्क होता है कि वर्बल जो बच्चे अपनी नीड को एक्सप्रेस कर दें या अपनी बात को अपनी भाषा के थ्रू जो है वो आपको बता दें, जो आपको समझ आएगी और भी किसी को समझ में आ जाएगी। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल का फर्क होता है। तो विराज अभी भी नॉन वर्बल ही है, एक्सेप्ट बहुत लिमिटेड कमांड्स हैं या बहुत लिमिटेड ऐसी चीज़ें हैं जो वो बता पाता है, जैसे पानी दे दो, और उसमें भी हमें पूछना पड़ता है, मतलब लाइक वो खड़ा हो जाता है एंड देन वी हैव टू आस्क, पूछना पड़ता है कि आप बोलो, प्रॉम्प्ट नहीं करते उसमें हम कि आपको ये बोलना है, पूछना पड़ता है कि हाँ पहले आप बोलो। तो अभी उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं अगर रूम में ही बैठा हूँ, मैं यहीं से ही बोल दूंगा कि मम्मा पानी दे दो, तो मम्मा जाके ला कर दे देगी, लेकिन उसे अभी वो चीज़ नहीं पता। वो खुद जाएगा, ग्लास उठाएगा, आर ओ के पास खड़ा होगा एंड ही वेट्स फॉर मी टू ज्वाइन हिम, या वो मेरे पास ग्लास लेकर चला आएगा और मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ बोलो क्या, तब वो जाकर बोलता है। तो उसके लिए अभी भी वो एक जेस्चर का हेल्प उसको चाहिए होता है कि मैं पहले अपनी चीज़ लाकर फिर शायद एक्सप्लेन करूँगा तभी समझ आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट का इशू अभी है, और वो अभी आई थिंक जो प्रॉम्प्ट वाला स्टेज है, जो रिपीट करने वाली चीज़ है, वो अभी हाल फिलहाल 3-4 महीने से ही स्टार्ट हुई, और इस 3-4 महीने में उसने कुछ बेसिक बेसिक कमांड्स जो हैं वो फॉलो करने स्टार्ट कर दिए हैं, याद करने शुरू कर दिए, और वही चीज़ वो बोल के अब बता भी देता है, जैसे पापा हॉर्स बनो, पापा प्ले विद मी, और पापा डांस, पापा स्विमिंग, या अगर हम लोग पानी के लिए बोल रहे हैं तो वही पानी दे दो, राइस खाना है। ये बहुत छोटे कमांड्स हैं, बट सबके साथ नहीं, हम दोनों के साथ, मेरे और विक्रांत के साथ वही चीज़ें बोल देता है। तो डायग्नोसिस के टाइम से अब तक ये वाली जो स्टेज है, अब लगभग आप विराज की जो एज है वो इस समय 5.8 ईयर्स है, सितंबर 17 को विराज पूरे 6 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा अपने। तो ये वाली जो एज अभी विराज की चल रही है 5.7, तो अगर मैं बात करूँ रफली 5 साल 3 महीने या 4 महीने की एज से विराज के अंदर ये रेपिटेशन वाली चीज़ आई है। तो हमें बहुत लंबा टाइम लगा है विराज को वोकल और जेस्चर इमिटेशन के थ्रू ये समझाने के लिए कि आपको रिपीट करना होता है जो भी हम आपको बोल रहे हैं, और आपको रिपीट करना है नेक्स्ट टाइम के लिए, आपको वो कमांड याद करके रखनी है एंड हम आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करेंगे एंड आपको बोलना है वो। तो ये चीज़ जो है बहुत पेशेंस रखिएगा इसमें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लेती है। हैंड फ्लैपिंग और बॉडी लैंग्वेज विराज की पहले विजिबल थी, दिखता था कि कुछ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल किड्स, वो चीज़ विजिबल थी। जैसे कि अगर दो बच्चे खेल रहे हैं, एक टिपिकल बच्चा खेल रहा है और विराज खेल रहा है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा वहाँ पर कि हाँ देर इज़ सम डिले या कुछ ऐसा है जो विराज के साथ है। ही विल नॉट लुक लाइक अ क्वाइट चाइल्ड, बट वहाँ दिखेगा कि ही इज़ ए टिपिकल, ही इज़ लिटिल डिफरेंट। तो वो चीज़ पहले दिखती थी, अब वो चीज़ कम दिखती है। वो चीज़ इसलिए कम दिखती है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पे जो स्टेबिलिटी है वो बहुत आ गई है। पहले वॉक बहुत ज़्यादा थी, हैंड फ्लैपिंग थी, वो रिड्यूस हो गई। हैंड फ्लैपिंग रिडक्शन क्या, हैंड फ्लैपिंग तो बिल्कुल बंद, ऑलमोस्ट बंद है। मतलब मैं अगर याद भी करूँ तो शायद 2-4 महीने पहले मुझे कोई एपिसोड याद है जिस समय थोड़ी सी उसने करी होगी, बट वैसे नहीं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कम हुई है वो एको ले लिया है। टीवी बंद करने के बाद, स्क्रीन टाइम ज़ीरो करने के बाद, यानी जो बैकग्राउंड में स्क्रीन चलती है और आपको लगता है आपका बच्चा कैप्चर नहीं कर रहा, मैं मोबाइल पे कुछ देख रही हूँ और मेरा बच्चा वो कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि कार्टून नहीं चलाया हुआ मैंने, तो वो कैप्चर नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये जो परसेप्शन या ये जो थिंकिंग है वो गलत है। और ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि बच्चे डिजिटली इतने स्टिम्युलेटेड होता है, उनका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो दूर से भी किसी म्यूज़िक को कैप्चर कर लेते हैं। ये मुझे तब पता लगा था, मैंने खुद आइडेंटिफाई करा था। हम एक बारी कार में थे मेरे पापा के साथ, हम वापस आ रहे थे थेरेपी से, तो ही वॉज़ ड्राइविंग, उनका फ़ोन आया एंड उस फ़ोन में जो है एक ट्यून बजी, और क्योंकि विराज जो है वो इतना डिजिटली स्टिम्युलाइज्ड है कि उसने वो ट्यून याद करी, जैसे ही फ़ोन कट हुआ खाली बैठा बैठा उसने उसका एको ले लिया प्रोड्यूस करा। एको ले लिया जनरली बच्चे जब बोर होते हैं तब करते हैं, या फिर जब उनको अपने आप को सेल्फ सूद करना है, एक तरीके की स्टिमिंग है, वोकल स्टिमिंग या वर्बल स्टिमिंग कह लीजिए, तब करते हैं बच्चे ऐसा। वॉक करते हुए जनरली आपको दिखेगा, वॉक करते हुए एको ले लिया कर रहे हैं, खाली बैठे हैं तो एको ले लिया करेंगे। प्रिटेंड प्ले के टाइम एको ले लिया करते हैं, लेकिन अगर प्रिटेंड प्ले के टाइम एको ले लिया, सेल्फ टॉक जैसे हम बोलते हैं, अगर वो कर रहे हैं वैसा, तो आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए क्या वो रिलेटिव है। दैट मीन्स अगर वो एलिफेंट या हॉर्स के साथ खेल रहे हैं तो क्या वो कोई राइम गा रहे हैं एलिफेंट से रिलेटेड, या कोई वो हॉर्स से रिलेटेड कोई स्टोरी का एको ले लिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई लाइन है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई होए कि वो इमेजिन करके प्ले कर रहे हैं। वहाँ मत रोकिए,
वहाँ वो इमेजिनेटिव प्ले कर रहे हैं, अपना ब्रेन यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ तो नहीं रोकिए, लेकिन हाँ खाली वाले में आपको जो है डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो सेल्फ टॉक पे एक वीडियो डेडिकेटेड है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए एकोलेलिया पे सेल्फ टॉक पे दो वीडियोज़ हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। तो ये एकोलेलिया बहुत कम हुआ है। उसके अलावा जो मुझे एक चीज़ जो मेजर चैलेंज है, आई कांटेक्ट ठीक हो गया था, रिस्पॉन्स टू नेम अभी भी 10 में से 7 या 6 बार है, फेयर है आई कांटेक्ट और रिस्पॉन्स टू नेम भी फेयर है, बहुत परफेक्ट मैं नहीं कहूँगी, एक टिपिकल बच्चे की तरह मैं नहीं बोलूँगी आपको कि एक टिपिकल बच्चे की तरह जो है मैं जितनी बार विराज को बुलाऊँ, इनफैक्ट टिपिकल बच्चे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बिकॉज उनकी एज ऐसी होती है कि वो खेलने कूदने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उन्हें एट टाइम्स वो इग्नोर करते हैं पेरेंट्स की बात कि हमसे कोई काम करवाएंगे या हमें कोई चीज़ बोलेंगे करने के लिए। तो वहाँ पर आपको जो है एक टिपिकल बच्चे से भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बच्चे जनरली भी नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं नीम को। तो मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि विराज इस समय अपनी किसी वजह से, अपने किसी रीज़न की वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर एक्चुअली उसे समझ में ही नहीं आया। तो वहाँ एज अ मदर या एज अ फादर या गार्जियन आप जो भी हैं जो बच्चे की टेक केयर करते हैं, वहाँ पर आपको ये समझ में आना स्टार्ट होगा कि अभी एक्चुअली उसे समझ में नहीं आया कि मैंने उसे बुलाया है। या फिर अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल एक कंपैरिजन है कि आप कोई फेवरेट चीज़ उठाकर उसको बोलिए कि विराज मिल्क ले लो या विराज चॉकलेट ले लो टॉफ़ी ले लो, तब वो सुन रहे हैं, दैट मीन्स सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे थे, यानी आपको इग्नोर कर रहे थे, तो इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया नीम को। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स टू नेम है बट विलिंगली नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो अपने चाइल्डहुड बिहेवियर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ मैं भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती रहती हूँ, तभी मैंने आपको कहा कि 10 में से 7 या 6 बार का रिस्पॉन्स टू नेम अब आ गया है, तो यानी कि फेयर है। आई कॉन्टैक्ट भी स्क्रीन टाइम बंद होने के बाद, और एक मैंने वीडियो डाला था आई कॉन्टैक्ट पे, वो प्रैक्टिस करने के बाद, वो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट ने ही बताई थी एक्सरसाइज, तो वो करने के बाद धीरे धीरे करके आई कॉन्टैक्ट भी बेटर होता चला गया। पहले विराज कैमरा में बिल्कुल देखता ही नहीं था, मतलब अगर मैं सेल्फी भी क्लिक कर रही हूँ विराज को देखना ही नहीं है, वो इधर उधर देखेगा, नीचे देखेगा, ऊपर नहीं देखना, आंखें उठाकर एकदम प्रॉपरली जैसे बच्चे देखते हैं वैसा नहीं देखना, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देना फ़ोटो में, मतलब अगर मैं स्माइल कर रही हूँ और मैं उसको ये बोल रही हूँ कि तुम भी स्माइल करो तो वो नहीं, एक्सप्रेशन ही नहीं आता था बिल्कुल। और एक होता है आप जब स्माइल करते हैं तो बच्चा स्माइल करता है स्क्रीन में, आप जब दिखा रहे होते हैं सेल्फी में, तो वो नहीं करता था बिल्कुल, उसको एक्सप्रेशन ही नहीं समझ आता था, फ्लैट फेस था एकदम। तो वहाँ पर जब मुझे ये चीज़ लगती थी ना कि ये देखता नहीं है या मुझे मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कनेक्ट ही नहीं कर रहा, तो वहाँ हमने सेल्फ़ी वाला कैमरा जो है यूज़ करने की बहुत कोशिश करी थी, और मैं सेल्फ़ी वाले कैमरे के थ्रू जो है विराज से इंटरेक्ट करती थी ताकि उसका जो एक हेजिटेशन है आँखों में देखने वाला वो ख़त्म हो। तो अगर वो मेरा फेस डायरेक्टली नहीं देख रहा तो कैमरा के थ्रू तो देखेगा, तो वो चीज़ वर्कआउट करने स्टार्ट हुई एंड आई कांटेक्ट धीरे धीरे बेटर हुआ। तो हाँ मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे, अब वो आई कांटेक्ट बनाकर कैमरा में देखता था एंड वीडियोस में, अब आप जो लेटेस्ट वीडियोस देखते होंगे उसमें आपको ये नोटिस होता होगा कि वो चीज़ जो है कंपैरेटिवली बेटर हुई है, यानी अब अगर हम उसे बोल रहे हैं तो हमारी तरफ भी देखता है, कैमरा में देख के हाय बोलो, कैमरा में देख के बाय बोलो, वो चीज़ आई है धीरे, बहुत अच्छी नहीं है बट आ गई है वो चीज़, एंड ओवर द टाइम ओवर द पीरियड विद प्रैक्टिस वो और अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि हम अब रिग्रेशन की स्टेज में नहीं चल रहे हैं, हम अब प्रोग्रेशन की स्टेज में चल रहे हैं, यानी एवरी डे ही इज़ लर्निंग समथिंग न्यू। ऑटिज़म डिले या डिसऑर्डर्स का मतलब ये नहीं होता, कहीं से कहीं तक भी नहीं होता कि आपका बच्चा लुक, आपके बच्चे की लुक नहीं है वैसी ऑटिज़म वाली, इसलिए ऑटिज़म वाली लुक होना ज़रूरी नहीं होता। आपके बेबी की अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, यानी बहुत हैंड फ्लैपिंग है, बहुत हाइपर एक्टिविटी है, तो आप उस पर जब काम करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाती है और वो बेटर होती है, एज भी रोल प्ले करती है साथ साथ वर्क भी रोल प्ले करता है। हमारे केस में वर्क जो हमने किया है विराज के साथ हाइपर एक्टिविटी को कम करने में, खूब वॉक्स पे लेके जाना, खूब उसको जो है इंगेज्ड रखना, फिजिकल वर्कआउट बहुत कराना, मैंने पार्क की तो आई थिंक शॉर्ट वीडियोज़ बहुत डाली थी, पार्क का मैंने बहुत वीडियो डाला, वो तो एक वीडियो है लेकिन हम तो लेके रेगुलरली गए हैं, मतलब नॉट विदाउट इवन मिसिंग अ सिंगल डे, विदाउट अ फेल, मॉर्निंग इवनिंग 30 मिनट्स की वॉक करानी है, पार्क लेकर जाना है, एग्जर्ट करनी है एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे भी कर, इंगेज रखना है पूरे दिन, खाली छोड़ना ही नहीं है, अपनी आँखों से दूर नहीं करना। तो वो चीज़ जो है इतनी ज़्यादा, मतलब लास्ट 2 ईयर्स जो डायग्नोसिस के बाद वाली स्टेज थी,
ऐसा लग रहा था टाइम इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड्स, और यही टाइम है हम दोनों के पास, मेरे और विक्रांत के पास, कि हमें ये बोला था 6 ईयर्स तक बच्चे का ब्रेन जो है 90% डेवलप हो जाता है, उसके बाद बच्चा इवोल्यूएशन करता है, अडेप्ट करता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन 90% जो है उसकी लर्निंग, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो 6 ईयर्स तक इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो एक्सपीरियंस आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे पास 6 साल तक का विंडो है, अभी 6 साल का वो हो जाएगा सेप्टेम्बर में, और हमें लग रहा था टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हमने विदाउट अ फेल बहुत बहुत रिग्रस वर्क किया है, शायद हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत रिग्रस वर्क बहुत पेरेंट्स करते हैं, हम शायद उतना कर भी नहीं पाए, एंड हमने उतना अर्ली स्टार्ट भी नहीं किया था। बट मैंने बहुत पेरेंट्स से बात करी, और मैं उन पेरेंट्स से बात करने के बाद ज़्यादा इंस्पायर होने लग गई कि अब वो टाइम है कि मुझे एक्स्ट्रा इंटरवेंशन और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि मेरी वो 2 साल की मेहनत ना मेरे आगे के काम में, मेरे बच्चे के आगे के काम में वो चीज़ को आसान कर दे। तो अगर आपको ये लगता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो या आप उनके साथ इंटरवेंशन करवा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, सी इट इज़ योर कॉल नाउ, अब आपकी बारी है अपने बच्चे को टाइम देने की, आपकी बारी है बहुत बहुत मेहनत करने की। आपको अपने सारे काम ना सेकेंडरी करके इस काम को प्रायोरिटाइज करना है कि आपको अपने बच्चे पे काम करना है, क्योंकि ये चीज़ लास्ट 2 साल में मैंने बहुत अच्छे से सीखी और करी, और बहुत पेरेंट्स से बात करके समझ में भी आया कि ये जो टाइम है ना, ये अगर चला गया, ये अर्ली इंटरवेंशन वाला टाइम अगर चला गया, तो जो वो बड़ी वाली एज है ना, उसमें चीज़ें करानी बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि बच्चे पैटर्न एक आदत है आपकी, अगर 10 साल से कोई आदत है, मैं आपको आज बोलूँ छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे, आपको भी एटलीस्ट 6-7 महीने साल लगेगा, एंड आप एक टिपिकल ह्यूमन बींग है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, और मैं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसका अच्छा बता सकती हूँ, यानी आपको प्रॉस भी बताऊँगी, आपको कॉन्स भी बताऊँगी, और तब आपको समझ में आएगा यार ये चीज़ बुरी है, मुझे छोड़नी है। लेकिन हमारे बच्चों के साथ वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आती नहीं है, और जितने वो बड़े होते जाते हैं उसी बिहेवियर के साथ, वो चीज़ जो है वो हटानी बहुत मुश्किल है। तो लास्ट 2 साल बहुत मेहनत करी है, और वो बहुत बहुत जो मेहनत करी है उसकी वजह से जो आज मेहनत करनी पड़ रही है वो थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उस 2 साल की मेहनत से कम हुए हैं, और वही एक्सपीरियंस जो है मैंने अपना शेयर किया है यूट्यूब पे। मुझसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग मदर हूँ या विक्रांत जो है बहुत हार्ड वर्किंग फादर हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि शायद जितना मैं कर रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा और पेरेंट्स करते हैं, और मैंने भी किसी को देख कर ही सीखा, मैंने भी किसी को देख कर ही करना शुरू करा कि नहीं, आई हैव टू टेक अ कॉल, आई हैव टू टेक अ स्टैंड। तो ये चैलेंज आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और आपको अपना सर्कल कट डाउन करना पड़ेगा, सोशल लाइफ त्यागनी पड़ेगी, सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, सिर्फ उस टाइम को संजोने के लिए, उस मेहनत को करने के लिए कि आपके बच्चे का जो पूरा टाइम आगे का है वो ईजी हो जाए, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए ऐसी एक लाइफ बनानी है कि जब आप एग्जिट मारो अपनी लाइफ से, तो उसकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो इतनी अच्छी हो कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऑटिज़म का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बच्चे वर्बल नहीं होंगे, ऑटिज़म का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बच्चे राइट नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं करेंगे, या टॉपर नहीं बनेंगे, क्लास में अच्छा नहीं करेंगे। ऑटिज़म का सिंपल मतलब है एक लिविंग कंडीशन है, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, आपके कुछ चैलेंजेस हो सकता है आपके साथ सारी ज़िंदगी रहें, जैसे कोई सेंसरी इशू है, मुझे लाइट से प्रॉब्लम है, मुझे लाउड नॉइज से प्रॉब्लम है, और इन जिन जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं सोशली जब वहाँ बैठा हूँ या सोशली जब मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, तो मुझे उन चीज़ों की वजह से मेरे बिहेवियर में इम्पैक्ट आने लगता है, एंड देन आई बर्स्ट आउट, या मुझे मेल्टडाउन हो सकता है, मैं कोई टैंट्रम शो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऑटिज़म का मतलब कभी भी, ऑटिज़म में एक इमोशनल क्वोशेंट की थोड़ी कमी होती है, एक सोशल डेफिसिट होता है, कि जहाँ बच्चे उतना अच्छा या उतना जल्दी से कनेक्ट नहीं करते दूसरों की भावनाओं से, अपने बारे में बात करना पसंद करेंगे अगर वर्बल हैं, तो अपनी चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करेंगे अगर वर्बल है, नॉन वर्बल है तो क्वाइट रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन ऑटिज़म का मतलब ये नहीं कि देर इज़ अ लुक ऑन द फेस, या वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा कुछ भगवान ने अलग से बना के नहीं भेजा होता, कि आप बच्चे को देखेंगे और आप कहेंगे इसे ऑटिज़म है और इसे ऑटिज़म नहीं है, उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, धीरे धीरे वो ट्रेड्स जो हैं वो बच्चे मैनेज कर लेते हैं, एंड वही विराज भी कर रहा है। तो जो विराज की विजिबल चीज़ें थी वो एज अ पेरेंट मुझे आज भी पता है कि वो चीज़ हो रही है, बट अब वो चीज़ बहुत कम है, तो वो दूसरा बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, बट एज अ मॉम मुझे पता है कि हाँ
विराज का ये बिहेवियर शायद इस वजह से हो रहा है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी होंगी, जो आए होंगे कोई घर पे या हम बाहर हैं, वो उतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑटिज़म का मतलब ये नहीं होता कि लुक होती है कोई, कि बच्चा लगता है कि नहीं लगता ऑटिज़म वाला, तो ऐसा ऐसा कुछ भगवान ने नहीं बनाया। सब बच्चों की शक्ल, सब बच्चों की जो क्यूटनेस है, सब बच्चों की स्माइल है, जो आइज़ हैं, नोज़ हैं, वो सब सबकी अलग होती है। जब वो पैदा होते हैं तो धीरे धीरे जो है ट्रेट्स डेवलप होते हैं, धीरे धीरे वही ट्रेट्स जो हैं उन पर काम किया जाए तो वो कम हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है। सेकंड चैलेंज वही है कि विराज इज़ स्टिल नॉन वर्बल, ही डज़ नॉट नो हाउ टू आर्टिकुलेट हिज फीलिंग्स, एक्सप्रेस नहीं करना आता। पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है विराज को, उसे इंटरेस्ट है। आप स्टडी वाले जितने भी वो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, आई सी द अप्रिसिएशन एंड लव दैट यू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, सो थैंक यू। आई एम नॉट, एक्चुअली विराज इज़ वेरी ब्लेस्ड। सो वो मैं देखती हूँ, वो सब कुछ मुझे समझ में आता है, बट वो शोकेस करने का मतलब यही है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसके हिसाब से विराज की मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ कि विराज ने वो चीज़ लर्न कर ली है और अब जिस पे मेहनत कर रहे थे इतना इतना पार्ट हो गया, ताकि कल को जब मैं भी रिव्यू बैक करूँ, जैसे कि मैं विराज का बर्थडे का वीलॉग देख रही थी जो लास्ट ईयर का था, और अब मैं विराज की जो बॉडी लैंग्वेज घर में नोटिस करती हूँ, मेजर फ़र्क है। विराज का एक वीलॉग डाला था नेविगेटिंग ऑटिज़म करके, और अब विराज की जो बॉडी लैंग्वेज है, या ऑटिज़म टेल्स वाला अगर आप देखेंगे कुछ महीने पहले का है, मेजर फ़र्क है। तो मैं डॉक्यूमेंट भी इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे की भी जर्नी चेक करती जाऊँ कि जो पहले था क्या अब वैसा है, या अब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको मैं एज अ हेल्पिंग हैंड जो है आपके साथ खड़ी रहूँ, या आपको एक मोटिवेशन मिलती रहे कि अगर ये कर रही है, अगर विराज कर रहा है, हमारा बेबी भी करेगा, हम भी कर सकते। ये जब मेरे अंदर आया तो मुझे लगा कि अगर मैं ये चीज़ शोकेस करूँ, तो अगर मैं कर रही हूँ तो किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो यही एक मेन पर्पज़ था। साथ में नॉलेज प्रोवाइड मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों का। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है, तो आपको अगर समझ ही नहीं होगा तो आप फिर उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे भी समझ नहीं थी कि ये हैंड फ्लैपिंग बच्चे क्यों करते हैं, या मुझे नहीं समझ आता सेल्फ लाफ क्यों होती है। तो मैंने भी रीड किया, मुझे भी समझ में आया, मुझे लगा ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर मैं ये शेयर करूँगी तो लॉजिक समझ में आएगा, और लॉजिक समझते समझते कई बारी आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा होता है, तो ये प्रॉब्लम अगर इस वजह से ऐसा होता है तो उस वजह को हम कम कर सकते हैं, उस वजह को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए लॉजिक पता होना चाहिए। इसलिए कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ अपनी तरफ से, और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। व्लॉग्स भी इसीलिए डालती हूँ, बहुत फैमिली व्लॉगिंग नहीं करती। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप डेली व्लॉग्स डालो, फैमिली व्लॉग्स डालो, वो नहीं करती क्योंकि आई नो सी आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत काम है, आप लोग बहुत ज़्यादा बच्चों पे एफर्ट कर रहे हैं, एंड मैं कोई ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल की तरह रन नहीं कर रही हूँ। तो मैं डेली व्लॉग्स, अगर मैं कोई व्लॉग भी डालती हूँ तो मेरा मेन और होल सोल पर्पस सिर्फ इतना होता है कि उस व्लॉग के थ्रू मैं अपनी खुशी या अपना दुख या अपनी लर्निंग आपसे जब शेयर करूँ तो मैं उसको एजुकेशनल बनाऊं, और एजुकेशनल के साथ साथ मैं इसमें आपको ये बता दूं कि मैं ऐसे काम करती हूं। तो अगर आपको मेरे काम करने के तरीके से कोई आइडिया आता है तो आप भी वैसे ही काम कर सकते हो, क्योंकि कई बारी बच्चों के इश्यूज़ कई बारी सेम निकल आते हैं और सेम चीज़ वर्कआउट कर जाती है, कई बारी सेम चीज़ वर्कआउट नहीं करती है, बट ट्रायल के बिना आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये एक रीज़न है। तो वर्बल आर्टिकुलेशन विराज का बहुत पुअर है, बहुत पुअर। पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, विराज को ओरल अब आसान लगता है, पहले एक वर्ड तक रिपीट करना इतना मुश्किल था कि अगर हमने प्रॉम्प्ट भी दिया कि ये रिपीट करो, नहीं करता था, अब 3 to 4 वर्ड्स सेंटेंसेस रिपीट कर लेता है। साथ ही साथ राइटिंग इज स्टिल एन इशू, राइटिंग वो कर लेता है, करने लग गया है अब, जो भी हमने मेजर्स दिए करता है, पेंसिल होल्ड करता है, लिखता है, बट बहुत रोना धोना होता है बीच में, बहुत गैप्स में होता है। वीडियो शूट करते समय मैं उसको जब करा रही होती हूँ तो कुछ पार्ट एडिट भी होता है, कुछ पार्ट में वो जितना उसने लिखा उतना पार्ट रेगुलर चलेगा, फिर कुछ एडिट भी होगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस, समटाइम्स देयर कम्स अ कंपैरिजन इन द माइंड कि ये बच्चा तो बहुत जल्दी जल्दी करे जा रहा है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। नहीं, दैट्स वॉट आई सेड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो कि ब्यूटिफिकेशन दिखानी है, अच्छा दिखाना है, गुड वाइब्स दिखानी है, ऑटिज़म को डिसेबिलिटी की तरह शो नहीं करना, जो कि बहुत सारे चैनल्स शोकेस करते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज ख़राब है, बच्चा परेशान हो रहा है, स्टिल उसको एक्टिविटी करवाए जा रहे हैं, और ये थेरेपिस्ट एजुकेटर्स ही ऐसे वीडियोस डालते हैं जो कि बहुत बुरा लगता है।
कई बार टिपिकल बच्चे को लेकर बैठे हैं, वर्कशीट्स करा रहे हैं, मतलब आई रियली हाईली डाउट कि ऑटिज्म वाला बच्चा बैठकर वर्कशीट तो कर ही नहीं पाएगा। आप टिपिकल बच्चे को वर्कशीट कराएंगे वो कर लेगा, ऑटिज्म वाले बच्चे नहीं कर पाते, टिपिकल बच्चे तक नहीं करते बैठ के वर्कशीट्स, एंड मैंने देखा है। तो मेरा माइंड सेट ना ये सारे चैनल से मैच नहीं करता था, दैट्स वाई माई कॉन्सेप्ट ऑफ शोइंग थिंग्स ऑन दिस चैनल इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। आई गिव यू नॉलेज वॉट आई हैव, आई टेल यू अबाउट थिंग्स विच आर गुड टू सी, जिसको देखकर आपको मोटिवेशन आएगी, जिसको देखकर आपको एक होप मिलेगी कि ये चीज़ें हो सकती है। और ये कोई फॉल्स होप नहीं है, क्योंकि ये मेरी लाइफ में हो रहा है, ये विराज की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज हैपनिंग, एंड इफ इट इज़ हैपनिंग देन येस इट केम आउट फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट वी हैव डन। तो विराज के साथ में वर्बल आर्टिकुलेशन, सो विराज के साथ में राइटिंग इज स्टिल अ चैलेंज, लिखना आता है बट रोना बहुत है। और मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि अभी अभी 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हैं, घर में तो लिख लिया है, क्लास में मैम के साथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट इज़ ज़ीरो, किसी ही दूसरे बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। थर्ड चैलेंज इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इज़ द कम्युनिकेशन, ही कांट कम्युनिकेट हिज नीड्स वर्बली, ही कैन फॉर सम पर्टिकुलर थिंग्स लाइक पानी और लाइक पानी दे दो, खाना दे दो, वो भी दिखाने के बाद प्रॉम्प्ट विजिबल एक विजुअल जो है एक स्टिमुलेशन चाहिए होता है, तो वो है, वो चीज़ें हैं। बट एक अगर मैं बात करूँ कि उन 2 सालों में जो इम्प्रूवमेंट आया वो बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी लाइफ उस मोड पे आएगी जब हम अपने बच्चे की आवाज़ सुनेंगे, या कभी हमारा बच्चा हमारी आँखों में आके देखेगा, या कभी हमारी बात भी सुनेगा, कभी कोई हमारी बात समझेगा भी, तो वो हाँ वो चीज़ें मटेरियलाइज हुई हैं, वो एक ड्रीम कम ट्रू की तरह होना शुरू हुआ है। एंड आई एम श्योर जो अभी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं भी वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ऑटिज्म इज़ लाइक यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर चाइल्ड, इट इज़ नॉट योर चाइल्ड। ऑटिज्म आपका बच्चा नहीं है, ऑटिज्म आपके बच्चे की पर्सनैलिटी का एक छोटा सा ट्रेट है जो कि उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। उसके कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको ये सिखाते रहेंगे कि अपने चैलेंजेस पे कैसे काम करना है, तो वो आगे काम करते रहेंगे, वो खुद काम करना सीख जाएंगे अपने चैलेंजेस पे, एंड खुद इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो आगे जाकर जो है चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एंड जो लोग बोलते हैं ना जैसे पता ही नहीं लगता उसे तो कभी ऑटिज़म था भी या उसे ऑटिज़म है भी, तो वो उस स्टेज पर आ जाएंगे। होता तो है ही, वो जाएगा नहीं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, दिमाग के अंदर है वो, तो चीज़ आप बाहर नहीं निकाल सकते उसको। ब्रेन की वायरिंग ही डिफरेंट है, ब्रेन का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ब्रेन के अंदर जो कनेक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वही डिफरेंट है, तो वो आप निकाल नहीं सकते। तो रिकवरी और ये जो प्रोग्रेस और ये जो आप वो सोचते हैं कि दवाई लेके चीज़ें ठीक होती है, तो ठीक तो नहीं, मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डोंट गो अवे एनी टाइम एनी वे, तो दे विल नॉट गो अवे, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कंडीशन विच विल रिमेन विद योर चाइल्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका बच्चा इनकेपेबल है ऑफ एनी थिंग और देर इज़ अ लुक ऑन द फेस दैट डिसाइड्स ही हैज़ ऑटिज्म और नॉट, तो ये नहीं होता। सो आई होप दिस वीडियो वॉज एन आंसर टू समवन और टू दोज पीपल हु थिंक दैट मे बी विराज नेवर हैड ऑटिज्म और मे बी विराज डज नॉट हैव ऑटिज्म, एंड मे बी दिस वीडियो इज़ एन आंसर, मे बी ये वीडियो एक आंसर है आप में से बहुत सारे उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत घबरा के ये सोचते हैं कि चीज़ें कभी इम्प्रूव नहीं होंगी, जो एक टाइम पे मैं सोचती थी कि ऐसे ही रह जाएगा ये। और अगर आप उनमें से एक पेरेंट हैं या आप ऐसे कोई हैं जो आप ये सोचते हैं कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, कैसे ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही आगे आई हूँ अपनी जर्नी में और मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखी हैं। तो जैसे जैसे आपकी जर्नी पास ऑन होती जाएगी वैसे वैसे आप लर्न करते जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि आप अगर चाहते हैं ना सोसाइटी चेंज हो, तो अपना माइंडसेट, अपने घर में माइंडसेट चेंज करिए। बिकॉज अगर आप अपने घर में माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तो पहला चेंज आपके घर से आता है, सोसाइटी को तो आप बाद में चेंज करते हैं। तो आप अपने घर से चेंज लेकर आइए, सोसाइटी में आप तब चेंज लाओगे जब आप अपने घर में चेंज लेकर आओगे। तो try to be a change to bring a change, so that's what autism awareness is. There will be a moment when you will understand ki mere bacche ke autism ki wajah se wo aaj science mein bahut acha hai, wo aaj maths mein bahut acha hai, wo aaj bahut acha hai, cooking mein bahut acha hai, ya wo kisi aur field mein bahut outshine ho kar aaya, just because their brain was different.
दैट्स वॉट हैपन्ड विद आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, हेनरी फोर्ड, एलॉन मस्क एंड मैनी अदर पीपल, बिकॉज देयर ब्रेन वॉज डिफरेंट. सो जब आप प्रे करते हो ना, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट निकले, मेरा बच्चा बहुत जो है यूनिक निकले, तो ऑटिज्म इज ऑल अ यूनिकनेस ऑफ माइंड. सो विच यू माइट हैव प्रेड विद अ टिपिकल चाइल्ड, बट अभी आपके बेबी टिपिकल नहीं है बिकॉज ही इज नॉन वर्बल, बिकॉज दे कैन नॉट कम्युनिकेट, बट देर विल बी अ टाइम वेन एवरी थिंग विल हैपन. थोड़ा लेट, टिपिकल बच्चों से थोड़ा लेट होगा, बट जब होगा द स्पीड विल मल्टीप्लाई लाइक. तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब वो टाइम आएगा ना, जब वो टाइम आ जाएगा, तब आप डेली चेंजेस देखेंगे. अभी आप मंथ में एक चेंज देखते हो, फिर आप वीक में एक चेंज देखोगे, फिर आप डेली एक चेंज देखोगे, और जब आप डेली 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 चेंजेस देखोगे, वो इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे कि जब आप 5 महीने बैक जाकर कोई पुरानी वीडियो में उसका जो है देखेंगे, तो आपको लगेगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज. तो दैट्स वॉट द चैलेंज दैट आई गो विद विराज, और दैट इज़ अ चैलेंज दैट वी ऑल गो बाय ईच डे. तो हम लोग रोज़ इन चैलेंजेस से गुजरते हैं. आप, मैं, विक्रांत, या आप अगर डैडी हैं किसी ऑटिज्म बेबी के या गार्जियन हैं, तो आप भी गुजरते होंगे डेफिनेटली. ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी, ऑटिज्म इज़ अ डिफरेंट एबिलिटी विच सून आई विश एंड प्रे सून यू विल फाइंड आउट अबाउट योर चाइल्ड, दैट योर चाइल्ड इज़ यूनिकली गिफ्टेड. और ये जो है, ये सिर्फ आपका इंटरवेंशन है यहाँ पे काम करने का. आप काम करते चलिए, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी करिए, साथ साथ करेंगे. आप अपने बच्चों के साथ करिए, मैं यहाँ कर रही हूँ, आप अपने एंड पे करिए, साथ साथ करेंगे. और आप बाय सम टाइम, बाय द पासिंग ईयर्स, वी ऑल आर गोना रीच आर लेवल्स, वी आर ऑल गोना मेक आर किड्स सोशली फंक्शनल. तब आप प्राउडली बोलोगे कि बहुत चैलेंजेस थे, पर मेरे बच्चे ने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं. हैप्पी पेरेंटिंग एंड कीप ऑन द रिगर, कभी गिव अप नहीं करना. जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम.